दुश्मनाने नबी को हटा दीजिए, दुश्मनाने नबी को हटा दीजिए, हाथ में उन सबों को मिला दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। आलिम साहब किसको लाइन पे ले रहे थे? आलिम साहब कारी मौलाना जमशेद अली कादरी साहब। अच्छा कारी भी और मौलाना भी, किसने बोला? फरमाए किसने बोला तुम्हें? कारी और मौलाना किसने बोला? तूने अपने मुंह से बोला है कि मैं आलिम हूँ, तेरी पिछली रिकॉर्डिंग में मौजूद है जाहिल, तूने बोला मैं मुफ्ती नहीं हूँ लेकिन आलिम हूँ। अच्छा ये बता हवाला कब दे रहे हो? क्या चीज क्या? मैं फतावा रशीदिया का कि सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर ना होगा, मैंने तो ये बोला था कि हम काफिर मौजूद है। हाँ तो अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पे तो तुम्हारे अब्बा भी फतवा नहीं लगा सकते, तुम्हारे बड़े बड़े उन्हें तो मुसलमान बोला है जाहिल। वो जाहिल मरदूद इब्लीस। किसने बोला मरदूद? चल देवबंदी में से किस आलिम ने मरदूद बोला बता, नाम बता एक का। मौलाना अशरफ अली तेरा तारिक जमील बैठ के तारीफ करता है, तेरा तारिक मकसूद बैठ के तारीफ करता है, सुन तेरा तारिक मकसूद बैठ करके उसको मुसलमान कहता है, तेरा तारिक जमील मुसलमान कहता है, तेरा तारिक मकसूद मुसलमान कहता है, तेरा मुफ्ती नईम उनका सलातो सलाम जाके रोजा मुबारक रसूल पे पढ़ता है। अबे जाहिल है क्या बे? कैसा आलिम है तू बे जाहिल? पहले बात सुन, चल मुझे बता किसने आला हज़रत को मर्दूद कहा? मौलाना जर्जिस की तो बात ही नहीं हो रही, तू मौलाना जर्जिस को मुसलमान बोलता है? वो तो मुसलमान है ही, मुसलमान है तो तेरे देवबंदियों ने उसके ऊपर कुफर का फतवा क्यों दे रखा है जाहिल? जब से तकबीली जमात को अरब वालों ने गांड पे लात मार के भगाया तब से तुम लोग साले पागल हो गए। चल 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 जल्दी बता आला हज़रत को मर्दूद किसने बोला, किस देवबंदी ने बोला, नाम बता उसका, नाम बता। माज अल्लाह रबिलाने आलिम होके गाली बकरा है। देख मैं जामा मस्जिद गया था, सुन आलिम साहब, मैं जामा मस्जिद गया था, जामा मस्जिद पे मैंने वीडियो बनाया, वहाँ पे तुम्हारी बहन बेटी ना सेल्फी ले रही थी मस्जिद के अंदर कपड़े उतार उतार के, सर से दुपट्टे उतार उतार के। सुनो मार्केट में ना तुम्हारी माँ बहने रंडी की तरह घूम रही थी, सब्जी ले रही थी, वहाँ का सामान खरीद रही थी, ना उनके साथ कोई मर्द था, और तो आदमियों के साथ मोल भाव कर रही थी, चूड़ियां पहन रही थी हाथ में हाथ देके गैर महरम के, ये सब तुम्हारी रंडीबाजी करती है तुम्हारे घर की औरत, ऐसा क्यों करती है? बाजारों पे हमारे घर की औरत थोड़ी जा रही है, लेकिन देवबंदी की सारी औरतें बाजारों में घूम रही है, जामा मस्जिद पे सेल्फी ले रही है, जामा मस्जिद पे डांस कर रही है, टिकटॉक बना रही है। अबे जाहिल में वीडियो बना के लाया हूँ बे जाहिल, कैसा जाहिल बोल रही है? पता तेरा वहाँ पे इमाम बुखारी क्या कर रहा है, तेरा इमाम बुखारी वहाँ पे क्या कर रहा है? अरे सुनना गंदे की पैदावार सुन, तेरा इमाम बुखारी वहाँ पे क्या कर रहा है जो तेरी माँ बहनों को ऐसे छोड़ रहा है? एक वीडियो निकाला था हर मजारों से, वो बेचारी वीडियो दिखाई तुमको? हाँ दिखाई ना। चल ठीक है, जो तूने मजारों पे वीडियो दिखाई ना हम उसका विरोध करते हैं, वो हमारे घर की औरत नहीं है, अगर वहाँ पे गई है तो उन्होंने हराम किया, मैंने फतवा लगा दिया ठीक है। अच्छा अब ये बता जामा मस्जिद पे जो तेरी देवबंदी औरतें घूमती हैं, जो बाजारों में घूमती हैं, तेरे इमाम बुखारी पे तू क्या फतवा लगाएगा बता? अबे सुअर का हमारी एक भी औरत अबे खमीज की औलाद जाहिल है पुरकम कतल लसी बेदल के बुदक चुगत गामर में वीडियो लगाऊंगा, तुम्हारी औरत वीडियो लगाऊंगा जामा मस्जिद की, वहाँ तेरी कितनी औरतें पर्दा नशीन है ना, सब दिखाऊंगा आवाम को और तमाम सब दिखाऊंगा। चल मैंने देख फतवा लगा दिया, देख सुन तूने मेरे से फतवा मांगा ना, सुन जाहिल ए जाहिल, ये तालिबानी जाहिल आलिम, आपने हमसे फतवा मांगा ना, आलिम साहब आपने हमसे फतवा मांगा कि मजार का वीडियो आपने हमको भेजा, हमने देखा, हम आपको फतवा दे रहे हैं, वो जितनी भी वहाँ औरतें हैं सबने हराम काम किया और सब पे हराम करने का फतवा लगेगा, चाहे वो कोई भी औरत हो। सुनो अब देखो आप बदतमीजी कर रहे हो,
उसमें बदतमीज किसी पे इल्जाम लगाने वाला मुनाफिक होता। आप मेरी मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो, आप मुनाफिक हो जाओगे। अच्छा अब ये बताओ कि इमाम बुखारी के सामने, इमाम बुखारी के हुजरे के सामने तुम्हारी माँ बहनें सेल्फी ले रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, बाजारों में घूम रही हैं, चूड़ियां पहन रही हैं, गैर महरम के हाथ में हाथ दे रही हैं, इमाम बुखारी इस पे बोलता क्यों नहीं है? इमाम बुखारी पे क्या हुक्म लगाओगे? इमाम बुखारी तो तुम्हारे मतलब का बुखार है ना, वो इमाम बुखारी तो तुम्हारा बुखार इमाम है ना, बुखार इमाम पे क्या हुक्म लगाओगे? नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे। अच्छा चलो, अच्छा चलो चलो ये बता, सुनो सुनो ये बताओ कि जामा मस्जिद पर ये सब जो काम हो रहे हैं तो इमाम बुखारी इससे मर्दूद हुआ या मलून हुआ या जलील हुआ या खार हुआ या बदतमीज हुआ, क्या हुआ बताओगे कुछ? इमाम अबू बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी जिंदा है मसाले जाहिल शेर है, शेर शेर। अबे तो रहमतुल्लाह अलैह क्यों बोला, मर गया क्या वो? शेर है, शेर। कैसा जाहिल बोल रही है अभी। अच्छा रहमतुल्लाह अलैह किसके आगे लगता है? अल्लाह अकबर, कैसा देवबंदी जाहिल आदमी है। अपने इमाम बुखारी को मार दिया और रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है। अबे जाहिल की औलाद, जिसके सामने हराम काम हो रहा है, जिसके सामने खुराफाते हो रही है, जामा मस्जिद पे औरतें वहाँ खड़ी होकर नाच रही हैं, साली वजू खाने को रंडी खाना बना रखा है, टिकटॉक बनाया जा रहा है, सेल्फी खिंचाई जा रही है, वहाँ तेरा इमाम बुखारी को तू रहमतुल्लाह अलैह बोला, जूता मारूंगा साले निकाल के, जाहिल आलिम साला। रहमतुल्लाह अलैह क्यों बोला, मर गया क्या बुखारी तेरा? देखिए सामने दिख रहा है कितना जाहिल आलिम है ये।